तो नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रसीद और रसीद ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ललितपुर शहर की दरगाह, जो कि सरनजा बाबा का उर्स चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही खुशी के साथ, शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूम मची है बाबा की दरगाह पर। बलियों का आस्ताना है तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दरगाह शरीफ, जो कि काफ़ी बहुत ही 15 दिन पहले से, कम से कम 1 महीना पहले से यहाँ पर देखिए लगाया जाता है और उसकी तैयारी होती है। और यहाँ पर देखिए बच्चों के खिलौने हैं, लाइटें क्या झिलमिला रही हैं। तो ये दूर दूर से यहाँ पर दुकान लेकर के आते हैं लोग बाग। और यहाँ पर देखिए मैं पूरा आपको ब्लॉग में नज़ारा दिखाऊँगा यहाँ का। और ये फुब्बारा चालू होता है साल में एक ही बार, तो बड़ी यहाँ पर देखिए बड़े डेकोरेशन के साथ इसको सजाया जाता है। और यहाँ पर देखिए सामने दरगाह है, तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दरगाह की तरफ। तो बने रहिए मेरे साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार ये ब्लॉग होने वाला है दोस्तों। और क्या क्या दुकानें लगी हैं, क्या क्या यहाँ पर है, कब्बाल कौन कौन से आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी हम दरगाह की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए चादर शरीफ की जो है दुकानें लगी हुई हैं, तबर्रुक की लगी हुई हैं दुकानें यहाँ पर। और यहाँ पर एक मस्जिद भी है, बहुत ही शानदार लाल मस्जिद है। और ये आप देख सकते हैं, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, दरगाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा आपको ग्राउंड जो है पूरा दिखाऊंगा, क्या क्या यहाँ पर खाने की होटलें हैं, शॉपिंग की होटल है, शॉपिंग की दुकानें हैं वगैरह वगैरह। बहुत सी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, अच्छा चलता है मेला। अभी फ़िलहाल में रमज़ान का महीना है, अगले साल इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाएंगे। 31 मार्च को बता रहे हैं ईद होगी अगली साल, तो और भी ज़्यादा शानदार तरीके से मनाया जाएगा उर्स। तो यहाँ पर देखिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर जो चौराहा है यहाँ का अंदर का नीम के नीचे। तो ये नज़ारा हम व्यू आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और इसके बाद हम आपको खाने की होटलें दिखाएंगे, वहाँ से शुरू करेंगे कि अपन दरगाह शरीफ पे जाते हैं तो उसके बाद अपन को खाना खा लेते हैं पहले, खाना खाने के बाद फिर घूमते हैं और उर्स पूरा दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए बिरयानी लगी हुई है, सदन बिरयानी सुलगैया की, जो कसाई मंडी हमारे सुलगैया है पानी की टंकी के पास, उनकी बिरयानी की दुकान लगती है वहाँ पर। और ये देखिए कानपुर वालों की होटल लगी है नाद रोटी की, बहुत ही शानदार देखिए नाद रोटी यहाँ पर आपको मिलेगी। देखिए काम चल रहा है, तैयारी पूरी है, बहुत ही शानदार खमीरी रोटी है, एक नंबर। और ये देख सकते हैं आप लोग बाग खाना खा रहे हैं, काफ़ी बड़ा होटल लगता है इनका, कानपुर वालों के नाम से ये होटल है, गरीब नवाज होटल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, यहाँ पर खाना खाइए और कबाब पराठे बिरयानी वगैरह सब मिल जाएगी यहाँ पे। देखिए मस्त घूम रहा है भाई। और ये हमारे देखिए इसी के बाजू में जो होटल लगी है हमारे अजीज़ भाई की, जो कि ललितपुर के हैं, पुरई वालों के नाम से इनकी होटल लगती है, अजमत मुस्लिम होटल, बहुत ही शानदार इनकी होटल है। और ये देखिए इनका बच्चा काम कर रहा है यहाँ पर, ब्लैकबेरी। और ये हमारे अजीज़ भाई बैठे हुए हैं देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए होटल लाइन है, बहुत ही इस लाइन में आपको होटल ही होटल मिलेगी फुब्बारे के पास नीम के नीचे। तो आइए हम लेकर चलते हैं आगे। ये भोपाल वालों की होटल है, देखिए सलाद माशाल्लाह काफ़ी काट के रखी हुई है, बार बार के दिक्कत ना हो इसलिए देखिए काफ़ी ढेर लगा कर रखा है उन्होंने। और ये हनी सिंह से मिल गया है, एक फ्रेंड है। तो ये कब्बाल साहब हैं, देखिए यहाँ पर खाना खा रहे हैं, देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार बनाया है वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं चल रहा हूँ ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है माशाल्लाह, देखिए काफ़ी पब्लिक और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, पंडाल जो लगाया हुआ है। तो आप कव्वाली का आनंद लें और मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा ग्राउंड, ब्लॉग में बने रहे भाई, बहुत ही शानदार ये ब्लॉग होने वाला है। तो आगे चलते हैं, देखिए स्टेज की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। कमेटी जो यहाँ की है, तो यहाँ पर देखिए इस्तकबाल हो रहा है, कव्वाली चल रही है फिलहाल में, मैं आपको और आगे लेकर चल रहा हूँ। काफ़ी शांति और सुकून के साथ पब्लिक बैठ रही है, यानी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो
पराठे की दुकान है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले गेट नंबर एक पर जैसे ही आप आएंगे अंदर तो यहाँ पर मिलेगी आपको हलवा पराठे की दुकान, जो कि देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार और सबसे पुरानी और पहले आ जाती है दुकान। यहाँ से ये दुकान इससे पहले आ जाती है कि यहाँ पर दुकान लगने से समझ जाते हैं कि पुरुष आ चुका है और अच्छा आलू हो चुका है। और भोपाल की ये दुकान है हलवा पराठे की, बहुत शानदार, देखिए काफ़ी साल पुरानी दुकान है, 20 साल से आ रही है, 2-3 पीढ़ी बता रही है ये, पिछली वीडियो में ही मैंने डाली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवैया है, खजला है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं। और ये एक नंबर पे आप आइए गेट पे तो ये आपको ये मिल जाती है, जो भी इसके पीछे आ रही थी साथ आती है, ये कलाम पाक की दुकान है ये। और यहाँ से देखिए दूसरे नंबर का गेट वो है और यहाँ का नज़ारा इस कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप। तो ये मस्जिद है तो बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है, देखिए अभी भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मार्केट बहुत ही शानदार है, ये दस्तरखान है और भूत वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पर। ज्वेलरी वगैरह की दुकान यहाँ पर लगी है, ज्वेलरी है यहाँ पे बहुत ही शानदार, तो आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ही ज़्यादा चलता है यहाँ पर मार्केट में। अभी थोड़ा 3 बज चुके हैं तो डाउन हो चुका है, रात का 3 बजे का व्यू है तो पब्लिक सब जा चुकी है। और ये देख सकते हैं आप व्यू, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये बहुत ही नज़ारा है, मार्केट का नज़ारा है। ये 3 नंबर और मदरसे की तरफ गेट थी, और भाई यहाँ से देख सकते हैं ये काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। और लहंगा चुनरी की बहुत ही शानदार और कीमती दुकान है यहाँ पर, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये नाम दिया गया है तो देख सकते हैं आप। और बहुत ही शानदार यहाँ पर देखिए दुकान है लहंगा चुनरी की, बहुत ही यहाँ पर यह मार्केट है पूरा बना हुआ। और ये मार्केट दिखा रहा हूँ मैं, अभी जो रह गए हैं शहर के लोग कुछ, तो वो काफ़ी दिन तक शॉपिंग करते हैं यहाँ पे, तो उस तरफ का मार्केट। और यहाँ पर देख सकते हैं अब दुकानें बहुत ही शानदार लगी हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गुलाबिंग बहुत ही सुपर शानदार होने वाली है। और यहाँ पर देखिए पर्स लगा है, लेडीज पर्स, ज्वेलरी वगैरह, जो ज्वेलरी है देख सकते हैं यहाँ बहुत ही शानदार। और ये मार्केट है पूरा, जैसे ये व्यू देख सकते हैं आप, मार्केट का व्यू है। तो पूरा व्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप मार्केट का, काफ़ी यहाँ पर देखिए काफ़ी बहुत ही शानदार शानदार आपको पैटर्न और यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप बहुत ही शानदार, इस तरह पूरा खाली हो चुका है अभी, तो काफ़ी और भी मार्केट अभी बंद हो चुका है, कुछ डाउन हो गया है इसलिए। यहाँ से देख सकते हैं वो स्टेज लगा हुआ है यहाँ पर पूरा,
वहाँ तक देख सकते हैं, कव्वाली स्टेज है, बहुत खड़ा हुआ है, यहाँ पर लोग हैं, बाहर से लगे हुए हैं, दरगाह है। बाजार का व्यू है, और यहाँ से देखिए चारा शरीफ खरीद सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए रजब की दुकान लगी है सामने, ये 12 महीने रहते हैं यहीं पर खादिम है बाबा के, और ये बाहर से आए जायरीन लोग हैं यहाँ पर लगाते हैं जो दुकान। सीधा गया है दो नंबर गेट है ये, यहाँ पर देख सकते हैं आप दुकान है बहुत ही शानदार। तो ये मस्जिद के बगल की दुकान है, और ये सीधा गया है रोड, ये गया एक नंबर की तरफ, जो एक नंबर हमारा। देखिए चचा कितने अच्छे अच्छे तावीज़ यहाँ पर लाए हैं, बहुत ही शानदार शानदार। और यहाँ पर देखिए काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं बहुत ही शानदार, तो आप देख सकते हैं मार्केट है पूरा, ये शॉपिंग मार्केट है बहुत ही शानदार शानदार। यहाँ पे नकाब है देखिए, लेडीज चश्मा देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर ये देखिए मैं लेकर चल रहा हूँ आपको एक नंबर की तरफ, तो एक नंबर गेट है यहाँ पर, बोले पूरा मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं शानदार है, दोनों साइड मार्केट लगा हुआ है देखिए, दुकानदार है बहुत ही काफ़ी। यहाँ पे पहला गेट है एक नंबर, होटल लाइन दिखाने वाले हैं बहुत ही शानदार। यहाँ पे देखिए शॉपिंग होने वाली है, और बहुत ही गजब की भोपाल वालों की होटल है, गजब की हर साल की तरह इस साल बहुत ही शानदार ब्लॉगिंग होने वाली है। और ये होटल लाइन है, बहुत ही कबाब पराठों की दुकान लगी है अंदर से, और ये सलाद रखा हुआ है, पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा सलाद। देखिए पूरे होटल में कहीं नहीं है, यहाँ पे जो सलाद दे होटल खतरनाक सलाद कबाब बिरयानी और जो आइटम हो वो आइटम। और यहाँ से देख सकते हैं आप फ्राई आइटम, ये है